बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को लेकर इस समय पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं जोरों शोरों से बनी हुई हैं। बताना चाहेंगे आपको, सलमान खान ने आलिया भट्ट के साथ संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म इंशा अल्लाह की घोषणा की है। तभी से बॉलीवुड की ट्रेंड पंडितों ने भंसाली की इस फिल्म की कुंडली बनानी शुरू कर दी है। वाल बता दें, भंसाली की इस फिल्म में जबरदस्त सलमान और आलिया जैसे स्टार हों तो बॉक्स ऑफिस की धुआंधार कमाई के मामले में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई, एक इसमें और भी बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। बताना चाहेंगे, सलमान खान ने यह भी बताया था कि भंसाली की फिल्म अगले साल 2020 के ईद के मौके पर रिलीज़ होगी। और वहीं बॉलीवुड में ईद के मौके पर एक और बड़ी फिल्म आने वाली है। जी हाँ, और ये फिल्म होगी बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की। जी हाँ, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह को लेकर निर्देशित रोहित सेट्टी ने इस साल की शुरुआत में ही अगले साल ईद पर आने वाली सूर्यवंशी के नाम का ऐलान कर दिया था। अब सलमान ने जब से अपनी फिल्म की घोषणा उसी दिन की है, तभी से माना जा रहा है कि कई साल के बाद बॉलीवुड के अब दो बड़े स्टार्स का आपस में बॉक्स ऑफिस पर भाई टक्कर होने वाला है। फिल्म अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।